नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक 6 वर्षीय बालक अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी खेलते खेलते बालक वहां लगे बिजली के पोल के पास जा पहुंचा और उस पोल को हाथ लगाया। जैसे ही उस बालक ने उस पोल को हाथ लगाया और करंट की वजह से पोल से चिपक गया। वहां मौजूद लोग उसे चिपकता देख वह चिल्लाता हुआ देख वहां दौड़े, लेकिन वहां उसके पिता भी मौजूद थे। वो उसे हाथ से निकालने जाने लगे, जिन्हें लोगों ने रोका और उस खंबे पर चिपके बालक को जफर अली ने लकड़ियों से मारकर नीचे गिराया। बालक का नाम कुणाल, पिता राधेश्याम चौहान, वार्ड क्रमांक 15 निवासी भौरासा है, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज जारी है। उसके बाद आज विद्युत मंडल का कोई अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, सिर्फ लाइन में नोट आकर उस पोल को देखकर स्ट्रीट लाइट काटकर चले गए। हम पानी भरते थे तो वहाँ टैंकर आई गया था, तो वहाँ की जगह एकदम से करंट आई गया खंबा में, तो हमारे हम तो पानी में लगा। अब ये छोरा एकदम चिपकी गया उसमें, तो हम तो चिल्लाना खूब कूदन पड़े, थोड़ा ये भी दौड़ा उसके पास में, तो ये भी दूसरा ने पकड़ा कि तू मत जा, तू भी चिपकी जाएगा। दूसरी बार उनको इनके भी लगा करंट। बच्चा था, एक बच्चा ना पे चोट गया था तो उसको बचाया है हमने, और एक के पीछे 5 मरते ना की जगह वो बचाने गए तो 5 वो भी चोट जाते, तो वो तो हमने छोड़ा लड़ से तो बच गया ना। उसको अस्पताल में करवाया, उसका इलाज कराया, 2000 रुपये उसको लगे अस्पताल में। फिर बिजली बोर्ड में, बिजली बोर्ड का काम है सरकारी काम का, और मैंने काम करवाया। अगर कोई नेता लोग भी नहीं आए ना यहाँ पे, किसी ने कोई ना वो भी नहीं लिया है कोई ना। तो ये पिलर आपने, ये पिलर आपने खुद नहीं भरा? ये पिलर मैंने खुद ने भरा ना पे, आपके खुद ने भरा। भौरासा से ब्यूरो रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबर से सबसे पहले रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी न्यूज़ आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें।